नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल हेयर साइंस विद डॉक्टर विक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइव वीडियोस हम लोग शूट करते हैं, उसमें एक स्ट्रेटजी हम लोग प्लान करते हैं कि इस क्लाइंट की एज कितनी है, अभी हेयर फॉल हो रहा है नहीं हो रहा, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आफ्टर ट्रांसप्लांट हमें किस तरीके से उसको टैकल करना है, अभी फिलहाल जो करंट डेंसिटी है किस एरिया में कितने हमें फॉलिकल्स लगाने हैं, किस एरिया में डेंसिटी वीक है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें पीआरपी करनी है, कहाँ हमें स्टेम सेल की स्टिमुलेशन देनी है, तो सारा स्ट्रेटजी वर्कअप जो है वो आपके डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उनके डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है। ट्रांसप्लांट दो फैसलों का नतीजा रहता है। पहला फैसला आपका, जहाँ पे आप क्लिनिक की चॉइस करते हैं, जहाँ पे ये देखते हैं कि इस क्लिनिक पे जाके मुझे ट्रांसप्लांट करवाना है। सेकेंड आपके डॉक्टर का, कि उन्होंने ट्रांसप्लांट करते वक्त क्या इमेजिन किया, किस तरीके से आपका ट्रांसप्लांट हुआ, कितने ग्राफ्ट लगे, ग्राफ्ट की वेस्टेज कितनी हुई, वो सारे फैक्टर्स आपके डॉक्टर के हाथ में होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, एक हमने 8 महीने पहले मिस्टर इरफान का हेयर ट्रांसप्लांट किया था। हमने 3 फैक्टर्स को कंसिडर किया। नंबर 1, उनकी एज अभी छोटी थी, उसके हिसाब से उनको एक अच्छी डेंसिटी के अंदर रिजल्ट चाहिए, डेफिनेटली रादर किसी भी एज पे डेंसिटी तो चाहिए, बट जैसे आपकी एज यंग होती है, 20s के अंदर होती है, तो आप एक बहुत अच्छी डेंसिटी ढूंढ रहे होते हैं। सेकंड, उनके बाल बहुत बारीक थे, तो बाल बहुत बारीक थे और फेस का जो स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से थोड़ा सा हमने रिसीडेड हेयर लाइन की तरफ उनका रखा, ताकि इवन आफ्टर ट्रांसप्लांट हल्का सा कॉर्नर हमें डीप दिखाई दे, डजंट मैटर, बट डेंसिटी ठीक हो। थर्ड था उनका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर थे, एग्जिस्टिंग एरिया था जहाँ पे उनके बाल थे, आई एम टॉकिंग अबाउट क्राउन एरिया, वहाँ पे हमने हेयर रिवाइवल का अपना जो स्ट्रेटेजी है वो रखा था, जिसमें पीआरपी ट्रीटमेंट प्लस मेडिकेशंस इन फॉर्म ऑफ प्रोकैपिल, जो मैंने दूसरे वीडियो में आपको बताया। तो ये सब कितना सक्सेसफुल रहा, आइए देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हेयर डेंसिटी की, तो ये आप गौर से देखिए कि 100% नेचुरल डेंसिटी है। अब यहाँ पे आप देखिए कि कॉम्ब के साथ भी हम देख रहे हैं, तो फ्रंट और बैक दोनों एरियाज की डेंसिटी बिल्कुल 100% मैच कर रही है, और जबकि वीडियो के शुरू में आपने देखा कि दोनों एरियाज की डेंसिटी में कितना फ़र्क था, तो हेयर रिवाइवल भी परफेक्टली काम किया है। देखिए प्रॉपर लेंथ एंड कॉम्बिंग के बाद प्रॉपर डेंसिटी आप फ्रंट का देखिए आप। सेकंड बात करते हैं हेयर लाइन की, तो आप ये देखिए हेयर लाइन एब्सोल्युटली नेचुरल है, इसमें कहीं पे भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई। अगर ये किसी को नहीं बताएं तो नो वन कैन से कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। और ये जो साइड पे आप 2 कट देख रहे हैं, ये इन्होंने कुछ स्टाइलिश लुक के लिए हल्का सा इन्होंने रेजर से कट किया, ट्रांसप्लांट से इसका कोई संबंध नहीं है। और पार्टीशन एंड डेंसिटी और डायरेक्शन ऑफ हेयर आप सारी चीज़ देखिए 100% नेचुरल है। और फ्रंट के अंदर देखेंगे तो लेंथ 8 मंथ्स के अंदर आपकी 0 से स्टार्ट करके ऑलमोस्ट 5-6 सेंटीमीटर्स के आसपास पहुँच चुकी है। सो ये आपका फ्रंट हेयर लाइन है। आप साइड पे देख सकते हैं दोनों साइड्स पे बिल्कुल 100% नेचुरल कट है। देखिए जो टेंपल ट्रायंगल हमने क्रिएट किया था उसकी डेंसिटी देखिए। सो ऑल इन ऑल पूरा हेड यूनिफॉर्मली कवर्ड है फ्रंट से लेके बैक तक, देखिए आप। और लास्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि 5000 ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन करने के बाद डोनर एरिया एब्सोल्युटली जैसा पहले था वैसा अब है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ,
ये स्ट्रेटेजी जो हमारे नए इक्विपमेंट है, जो हमारी एडवांसमेंट है उसके अंदर न्यू प्लेटिनम, उससे कम समय के अंदर ज़्यादा ग्राफ्ट हमने निकाले, बॉडी आउट टाइम कम था, तो ग्राफ्ट का टेकअप रेट ऑलमोस्ट 97-98% रहता है। 100 ग्राफ्ट लगाए, 97-98% ग्राफ्ट उसमें से, रादर 100% भी चलते हैं, बट 100% कहना एक अतिशयोक्ति हो जाएगी, तो 97-98% मैं अपना सक्सेस रेट मान के चलता हूँ, आप देख सकते हैं। ट्रांसप्लांट के पहले, ट्रांसप्लांट के दौरान और ट्रांसप्लांट के 15 दिन के बाद और फिर एक महीने के बाद आप सारी चीज़ें एक एक करके देखिए और आप रियलाइज़ करेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विक्रम और आज मैं एक और लाइव सर्जरी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। लास्ट मैंने केस आपके सामने लाइव शेयर किया था, उसके अंदर क्या था कि ऊपर का जो एरिया था, जो कंप्लीट हमारा कैप एरिया था, दैट वाज कंप्लीटली बॉल्ड। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन थी जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट कर सकते थे। जो आज के हमारे क्लाइंट हैं, इनके अंदर, इनके केस के अंदर वी हैव लॉट ऑफ नेचुरल हेयर जो इनके अभी बाकी हैं। सो इसमें हम मिक्स स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे, यानी कि फ्रंटल एरिया को हम कम्प्लीटली ट्रांसप्लांट से कवर करेंगे जो, और पीछे का एरिया लाइक 50% ऑफ द एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम मिडल, उसे हम हेयर रिवाइवल की जो टेक्निक है हमारी उसमें वो यूज़ करेंगे। बताया कि इनको ओवरऑल प्रोसीजर हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो इसमें बेसिक स्ट्रेटेजी है हमारी, जैसे आपको पहले बताया था कि फर्स्ट स्टेप इज एनेस्थीजिया, जिसमें पीछे का हिस्सा आपका पहले ट्रिम करेंगे, देन विल गिव एनेस्थीजिया ऑन द बैक ऑफ द हेड। ओवरऑल प्रोसेस आपके लिए बिल्कुल पेनलेस रहेगा, सो कहीं कोई नर्वसनेस या स्ट्रेस लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। सो आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा और आपको कहीं भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी हम नहीं होने देंगे। अब हम बात करते हैं, नीचे देखिए, जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं इस एरिया के अंदर हमारा हेयर लॉस ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। यहाँ पर हम किसी भी स्ट्रेटेजी से बाल नहीं क्रिएट कर सकते, एक्सेप्ट फॉर दैट वी हैव टू डू हेयर ट्रांसप्लांट इन दिस एरिया। लेकिन पीछे इस एरिया के अंदर हमारे पास काफ़ी बाल अभी नेचुरल जो हैं वो बचे हुए हैं। सो व्हाट वील डू इज़ कि हम हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट फ्रंट एरिया में करेंगे और इस एरिया के अंदर जो पीछे बचे हुए बाल हैं इनको हम हेयर रिवाइवल टेक्निक से इनको वापस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। और जिस हिसाब से हम देख पा रहे हैं स्ट्रेंथ है इनके अंदर, ये मैं इस एरिया के अंदर हमारा माइक्रोस्कोपी जो है दैट इज टेलिंग कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% हेयर जो हैं वो डेड हो चुके हैं, सो वी कैन नॉट रिवाइव देम। बट इस एरिया में जो हमारा ये पीछे का एरिया हम देख रहे हैं, इसमें डेफिनेटली स्टिल गुड नंबर ऑफ हेयर हमारे पास हैं। सो इसमें भी आफ्टर ट्रिमिंग वील सी कि अगर इसमें फिलिंग की ज़रूरत है तो वील डू हेयर ट्रांसप्लांट इन दिस एरिया ऑल्सो, लुकिंग फिजिकली कि वहाँ पे हमारा वीकनेस का लेवल क्या है। सो ऑल इन ऑल आज हम इरफान जी के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4000 से लेके 4500 के बीच में ग्राफ्ट प्लांट करेंगे एंड पूरा प्रोसेस जो है वो एक दिन का रहेगा। सो अब इनके केस में बेसिक हम हेयरलाइन एक ड्रॉ करेंगे, माथे पे बल डालिए, आप ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे, यस ग्रेट। सो यहाँ तक हमारा टेम्परलिस का एक्सटेंट है, तो अप्रॉक्सीमेट हेयर लाइन हमारी ये रहेगी। इनका टेम्पल ट्रायंगल का भी लॉस है तो ये भी हम डिजाइन करेंगे, अब नेचुरली हम देख रहे हैं कि इनका जो फोरहेड है वो थोड़ा सा बल्जिंग है और बड़ा है। सो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि नेचुरल जो एक हेड की शेप है वो मेंटेन रहे और हेयर लाइन का हमारा ये एक्सटेंट रहेगा, देख सकते हैं, ये आप देखिए थोड़ा आगे, इसको हम हल्का सा आगे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे हम नहीं करेंगे बिकॉज के हमें इसको नेचुरल रखना है। बहुत नीचे अगर हम करेंगे माथा छोटा हो जाएगा तो फेस के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे,
यहाँ तक का एरिया हम आपका बहुत बढ़िया डेंसिटी में करेंगे और पीछे वाला एरिया के अंदर हम फिलिंग करेंगे और देखेंगे कि उसमें वीकनेस का क्या लेवल है आफ्टर ट्रिमिंग। ठीक है जी, सो दिस इज़ आर स्ट्रेटेजी, दिस इज़ आर हेयर लाइन। ऑलराइट, सो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ जी। मेडिसिन ले लिया? मेडिसिन ले लिया। परफेक्ट, अभी कोई और सवाल पूछना चाहेंगे आप? नहीं होता। ठीक है, हाँ जी, ऑल डन। चलिए, इसका मेन पर्पस है कि इसमें से हमें प्लेटलेट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं और प्लेटलेट्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको हम स्कैल्प के अंदर, जो हेयर रिवाइवल की मैं बात कर रहा था, उसमें कुछ स्टेम सेल ऑगमेंटिंग सॉल्यूशंस होते हैं, उसको मिक्स करके और हम लोग जो एग्जिस्टिंग जो एरिया है जिसमें बाल काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, उसको हम रिवाइव करें। किसी भी सर्जिकल प्रोसेस के अंदर जो सबसे ज़रूरी स्टेप है वो है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन यानी कि आपका ऑपरेशन थिएटर एनवायरनमेंट शुड बी एब्सोल्युटली क्लीन। अभी हमने जैसे एनेस्थीसिया डिलीवर किया, तो जीरो मींस नो पेन और 10 मतलब मैक्सिमम जो आप बियर कर सकते हो, ओवरऑल प्रोसेस में कितना रहा? ओवरऑल में मैक्सिमम 2 से के आसपास ही, 2 से कम ही था। 2 से कम था? हाँ। तो इसका मतलब एक तो आपकी पेन टॉलरेंस अच्छी है। हाँ जी। दूसरा हमारी टेक्निक भी ठीक। हाँ जी। सो अभी क्या होगा कि पीछे का जो हिस्सा है आपका, जो मेन नर्व्स आपकी गर्दन से ऊपर की तरफ आ रही हैं, वो हमने ब्लॉक कर दिए। हाँ, तो पूरे होश में रहोगे, कॉन्शियस रहोगे, अवेयर रहोगे। हाँ जी। और अब हम पीछे जब काम करेंगे तो पेरिफेरल एरिया में साइड पे जब हम मूव करें तो हल्की चुभन आपको हो सकती है, आपने हमें बता दिया। स्टार्ट करने से पहले मुझे लगा कि काफ़ी पेन होगा, लेकिन इतना पेन हुआ नहीं। एक्सट्रैक्शन जब इन्होंने स्टार्ट किया तो हल्का सा पेन हुआ था, फिर उसके बाद लोकल रहा, उसके बाद ज़्यादा पेन हुआ नहीं। और अभी फिर देखेंगे बाद में कितना पेन होता है, मुझे लगता है ज़्यादा होगा नहीं इसके जैसा इन्होंने प्रोसेस किया है अभी तक। सो एक्सट्रैक्शन फेज़ ओवर हो चुका है, सो वी हैव डन ऑलमोस्ट 4500 ग्राफ्स, फाइनल काउंटिंग अभी चल रही है, तो 100-150 ऊपर ही होंगे ग्राफ्स। सो इस एक्सट्रैक्शन के दौरान, जैसे सुबह एनेस्थीसिया के बाद हमने आपसे पूछा था, तो 1 से 10 के बीच में आपने हमें बताया कि 2 तक का आपने पेन फील किया। इस दौरान अभी जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो मैंने आपको ये बोला था कि कहीं अगर पेरिफेरी में हम मूव करते हैं तो आपने हमें बताना है। तो ओवरऑल पेन बताइए 0 और 10 के बीच में अभी कितना रहेगा? 3 के आसपास था। 3 के आसपास, मतलब बेरेबल था, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अभी हल्की बर्निंग आप ज़रूर फील करेंगे पीछे, वो जब हम आपका वापस स्टार्ट करेंगे प्रोसेस तो फिर हम थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया और लगा देंगे। इस प्रोसेस के अंदर हम टोटल कैलकुलेटेड डोज बॉडी वेट के हिसाब से एकदम से इकट्ठा इंजेक्ट नहीं करते, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हर इंसान का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट रहता है, सो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना स्पीड से लोकल एनेस्थेटिक को कंज्यूम कर रहे हैं क्लाइंट, बेस्ड अपॉन दैट वी कीप ऑन पुटिंग मोर एंड मोर लोकल एनेस्थेटिक। इसके हमें 2 फायदे रहते हैं। नंबर 1, तो ओवरडोज नहीं होती, क्लाइंट डिजी फील नहीं करते, चक्कर नहीं आता या ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती किसी भी तरीके की, तो इन द इवनिंग वी कैन डिस्चार्ज ईजीली। सो एक तो ये रहता है, एंड सेकेंड हमें पेन थ्रेशोल्ड का क्लाइंट का पता रहता है कि कहाँ किस लेवल पे कितना डोज फर्दर और रिक्वायर्ड होगी पोस्ट ऑपरेटिव एनल्जीजिया के अंदर, यानी कि ऑपरेशन के बाद जो पेन किलर हमें मेडिसिन देना है उसकी किस हद तक ज़रूरत रहेगी। सो अब हम हेयरलाइन डिस्कस करेंगे, और हेयरलाइन डिस्कस करने के बाद फिर फ्रंट के अंदर एनेस्थीसिया डिलीवर करेंगे जैसा सुबह हमने किया था,
एंड देन विल गो फॉर स्लिटिंग। स्लिटिंग में हम इन बालों के जो एग्जैक्ट पहले वाले बाल हैं उनकी डायरेक्शन देखते हुए उसी डेंसिटी और उसी तरीके से स्लिटिंग करेंगे और उसके बीच में फिर फाइनल फेज हमारा प्लांटेशन का रहेगा। अब यहाँ मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि जो फोरहेड का स्पैन है, देखिए अब फेस के अकॉर्डिंग इनका हेड का साइज बड़ा है, इस साइज के हिसाब से ही हमें फोरहेड का जो पूरे हेड के साइज के हिसाब से हमें फोरहेड की विड्थ और उसकी ऊंचाई डिसाइड करनी पड़ती है। इनके फेस के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ तो मेरे को हेयरलाइन और नीचे लानी चाहिए, तो दैट विल लुक मोर शैबी एंड अननेचुरल। सो हल्का सा जो ये साइड वाले कट्स हैं इनको हल्का सा डीप रखेंगे एंड फ्रंटल हेयरलाइन को ऑलमोस्ट मैं उसी लेवल तक ले आया हूँ जैसा इनका नेचुरली पहले था। सो हल्का सा हमें इसको ब्रॉड रखना पड़ रहा है बिकॉज के जो शेप है वो इसी हिसाब से नेचुरल लुक में आएगी। हम इसमें टेम्पल ट्राइंगल भी करेंगे जो हमारी ये साइड्स हैं ये पीछे रिसीट करेंगे और बाकी ये वाला एरिया हमारा कंप्लीट। पीछे वाले एरिया में अब हमने ट्रिमिंग के बाद देखा तो इसमें भी डेंसिटी लो है, सो फ्रंट टू बैक हमें कंप्लीट ग्रेडियंट क्या करेंगे। ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है, तो जैसा कि मैंने सुबह एक्सप्लेन किया था इनके केस में थोड़ा से नीचे करिए। अब हमने जैसे ये फ्रंटल पार्ट के अंदर डेंसिटी बहुत कम थी, यहाँ पे हमारा डैमेज बहुत ज़्यादा था, तो इस एरिया के ऊपर हमने फोकस करके ये हमारे साइड एंगल्स और ये फ्रंट में एक फिंगर का जो जोन है बहुत डेंस किया हमने, ये कवरेज और पीछे जहाँ जहाँ हमें स्पेस दिखाई दिया बालों के अंदर वो हमने कवर किया अलॉन्ग विद कि इस एरिया में हमने PRP और स्टेम सेल ऑगमेंटेशन ये दो ट्रीटमेंट और किए। सो ऑल इन ऑल अब पूरा हेड इनका हेल्दी हो जाएगा। ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम बट जो इनिशियल हमें ग्रोथ दिखाई देगी वो तकरीबन 12 से 15 दिनों के अंदर इनिशियल ग्लिम्स आ जाएगा कि हमारा रिजल्ट किस तरीके का रहने वाला। आज आपका कौन सा दिन है? आज 10वां दिन है। 10th डे हो गया आपका आज। ऑलराइट, और जैसे सर्जरी के बाद आपका शुरू के कुछ दिनों में कैसा रहा, पेन वगैरह कुछ कोई दिक्कत? शुरू के 2-3 दिन थोड़ी प्रॉब्लम थी हल्की सी बस सोने में, बाकी 7वें दिन में जॉब पे चला गया था। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया जो हमारे क्लाइंट है जिनका हमने लाइव आपको टेलीकास्ट दिखाया था ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग, तो अब उसमें जैसा हमने फर्स्ट डे आपको इन्फॉर्म किया था कि इनके केस में जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें वीकनेस ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम प्राइमरीली ट्रांसप्लांट से फोकस करेंगे और जो पीछे वाला हिस्सा है उसके अंदर हम मेडिसिन और ट्रीटमेंट का योगदान उसमें ज़्यादा रहेगा। दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ एक जगह से बाल लेके दूसरी जगह लगाने का नाम बिल्कुल भी नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट एक कंप्लीट साइंस है जिसमें आपके डॉक्टर को आपकी एज, आपका हेयर फॉल का पैटर्न, आपकी जेनेटिक्स, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपका डाइट का शेड्यूल, आपका ओवरऑल जो ऑक्यूपेशन है, नेचर ऑफ जॉब कैसा है, स्ट्रेस कितनी है, आपका ओवरऑल एक पूरी पर्सनैलिटी के साथ हेयर ट्रांसप्लांट को मैच करना पड़ता है।
और मेडिसिन की आवश्यकता डेफिनेटली रहेगी। हमने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो डेफिनेटली ट्रेनिंग हमने विदेशी डॉक्टर्स के साथ ही करी, वहीं की नॉलेज हम लोग लेके आए, बट उनको हमने फॉलो कुछ ही साल तक किया तो ये देखा कि जो एब्सोल्यूट सेफ डोनर एरिया का कंसेप्ट है वो गलत था। इवन फ्रॉम एब्सोल्यूटली सेफ डोनर एरिया से भी अगर हम रूट्स लेके प्लांट करते हैं तो वो रूट्स भी आपकी समय के साथ थिन हो जाती हैं। तो वो स्ट्रेटेजी एक चाहिए जिसमें कि आपका ट्रांसप्लांट के बाद जो थिनिंग का प्रोसेस है उसको कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे मेडिकेशंस यूज करी जाए। बंच ऑफ मेडिसिंस, बहुत सारी दवाएं होती हैं, कौन से वाली आपको कितनी मात्रा में चाहिए ये केवल एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही बता सकता है। तो जो ये आजकल एक रुपया पर ग्राफ्ट और एक रुपये में ट्रांसप्लांट और ये सब चला हुआ है तो इनसे कृपया सावधान रहें। ये सिर्फ एक वन टाइम आप समझ लीजिए आपका वेंचर है, आप गए ट्रांसप्लांट किए एंड दैट्स इट, फिर आप कहीं कुछ भी रिव्यू कैसा भी डालते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दुकान बंद होगी, दूसरे नाम से फिर दूसरी जगह खुल जाएगी। डॉक्टर अपनी आइडेंटिटी को रिक्रिएट नहीं कर सकता। जो चेन क्लिनिक्स हैं, जो कमर्शियल आउटलेट्स हैं, वो कभी भी अपना नाम, अपना सारा आइडेंटिटी कभी भी कैसे भी चेंज कर सकते हैं। ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर डॉक्टर, नॉट अ आई से के यूट्यूबर जो सलाह देने वाले हैं या आपके कुछ भी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, टॉक टू योर डॉक्टर एंड मेक अ वाइज डिसीजन और फिर उनकी बात समझ के आगे चलिए। इंटरनेट की सर्च बहुत ज़्यादा बहकाने वाली है, उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आप जहाँ से आपने ट्रांसप्लांट कराया, अगर विश्वास से आपने कराया, उनकी बात 100% फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा और रिजल्ट मेंटेन्ड भी रहेगा, राइट? तो मैं नहीं चाहता कि हिट एंड रन वाला प्रोसेस हो, आज आपने ट्रांसप्लांट कराया, साल के बाद फिर बाल झड़ गए। आपको आफ्टर केयर डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि भैया मेडिसिन प्लीज़ किसी हद तक कुछ ना कुछ ज़रूर सपोर्ट दे के रखो। आपके जो बाल हैं, ट्रांसप्लांटेड रूट्स हैं, ये वैसा ही है जैसे आप जिम गए, आपने मसल्स डेवलप करी और फिर आपको जिम की ज़रूरत रहेगी। पहले आप बहुत रेगुलर जिम जाते हैं बट लेटर ऑन एक बार आपने मसल्स डेवलप कर ली, वीक में दो बार भी जाएंगे तो चलेगा। बट ये नहीं हो सकता आप बोलें कि मैं आज के बाद जिम नहीं जाऊँगा और मेरा मसल का साइज और वॉल्यूम उतना ही रहे, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और ट्रांसप्लांट को ऐसा नहीं समझिए कि हम कुछ दवाई की सेल करने के लिए आपको ऐसी कुछ सलाह दे रहे हैं, ये सच है। जिन लोग का फेल हुआ है ट्रांसप्लांट आप उनसे पूछिए, उनको एक ही बात बताई गई थी कि भैया ये सेफ डोनर एरिया, हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, अब इन बालों को कुछ नहीं होगा। नो, वो 20-30% लोग रहते हैं ऐसे जिनका के जेनेटिकली इस तरीके की एडवांसमेंट नहीं होती है, उनकी एज 40+ है तो ये हो सकता है, बट 20s के अंदर अगर ट्रांसप्लांट हुआ है और इवन 40s के अंदर भी ट्रांसप्लांट हुआ है तो बहुत समझ के सोच के मेडिसिन का साथ ज़रूरी रखना पड़ेगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड।